आई विल आल्सो लाइक टू ऐड समथिंग जो सर ने बोला. सर ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाया. इसी पे मैं कुछ और लाइक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. देखो कोचिंग सभी क्या करते हैं ना, कोचिंग्स कोचेज अस और टीचेज अस हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, है ना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हार्ड वर्कर्स. यूपीएससी डोंट नो डोंट रिक्वायर हार्ड वर्कर्स. हमें रिक्शा पुलर्स की जरूरत नहीं है, हमें लेबर की जरूरत नहीं है. वी रिक्वायर समवन स्मार्ट वर्कर. तो कोचिंग से एक ऐसी संस्थान है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच विच टीचेस हाउ टू डू वर्क स्मार्टली, हाउ टू डू वर्क स्मार्टली. एक एक बुक है, लाइक कोई सी भी बुक आप उठा लो, लाइक बल्कि बुक 500 पेजेस की एक बुक है. अगर हम मैं उसको पढ़ने लग गए तो एक हार्ड वर्कर होगा, पूरी की बुक पढ़े, पूरी की पूरी बुक पढ़ेगा एंड विल वेस्ट अराउंड 10 to 15 days इन रीडिंग दैट. सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेगा, तब जाके 10 से 15 दिन लगेंगे पूरी 500 पेज की किताब पढ़ने में. वहीं पर जो कोचिंग होगा, कोचिंग आपको उसको एटलीस्ट एक तो आपको जिस्ट बता देगा उसका. सेकेंडली द कोचिंग विल टेल यू विच ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक आर इंपॉर्टेंट नॉट टू बी लेफ्ट. उन चैप्टर्स में विच आर द पेजेस जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. विच आर द चैप्टर्स विच आर द पेजेस उसको आप स्किप कर सकते हो. विच इज द डेटा, वो कौन सा डेटा है इस बुक के अंदर जो हमें करने की जरूरत नहीं है. अभी आप उठाओ इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आप उठाकर देखो, देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा. तो एक हार्ड वर्कर क्या करेगा, हार्ड वर्कर विल ट्राई टू मग अप ऑल द थिंग्स देयर. बट एक स्मार्ट वर्कर क्या करेगा, स्मार्ट वर्कर केवल ये करेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है घट रहा है, क्या फ्लक्चुएशन है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है घट रहा है, या व्हाट इज द फ्लक्चुएशन, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जैसे सर ने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन ये जो सिलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ऑल्सो. एक्चुअली द थिंग दैट इज रियली रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग कोचिंग ऑल्सो, मैं बात कर रहा हूँ जब हम कोचिंग साथ में कर रहे हैं, दैट इज द रिविजन, दैट इज द रिविजन. आज अगर मैंने मैंने एक क्लास करी और मैंने उस क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857, उस रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने के बाद मैं घर गया, खाया पिया, सो गया, बढ़िया एकदम. अगले दिन फिर उठा, नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा क्वींस प्रोक्लेमेशन, फिर से गया, घर गया, खाया पिया, सोया. एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, क्या मेरे दिमाग में कुछ रहेगा, व्हाट इज द, व्हाट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ इट, लाइक व्हाट वाज क्वींस प्रोक्लेमेशन, मेरे दिमाग में कुछ रहेगा. अगर रहेगा भी तो 10% 20%, हार्डली 30% आप कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, है ना. मैंने कितने अच्छे से, लाइक एक फैकल्टी ने कितने अच्छे से मुझे पढ़ाया था, बट द थिंग्स विल नॉट बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक स्टूडेंट है दूसरा, उस स्टूडेंट ने क्या किया, आज क्लास में पढ़ा व्हाट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, घर पर गए, पूरा कवर रिवाइज किया, व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज, व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज, व्हाट वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेज, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज, सारे कॉजेज पढ़े, क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ लिया, आज ही पढ़ लिया. एक हफ्ते के बाद में अपने नोट्स उठाए और ब्रश अप कर लिया कि अच्छा ये इकोनॉमिक कॉजेज थे, ये था ये था ये था. वॉट दैट स्टूडेंट इज डूइंग, देर विल बी डिफरेंस इन द स्टूडेंट. सेम वे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकेडमीज, अब कुछ अकेडमीज ऐसी होंगी कि स्टूडेंट्स गए क्लास के अंदर और चलो बेटा नोट्स लिखना चालू करो, एंड कि पूरा क्लास में गए और बस नोट्स से शुरू हुए और नोट्स से खत्म, वापस घर आ गए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो. ऐसी भी अकेडमीज हैं कि स्टूडेंट नोट्स खुद बना पाएगा. आप उसे समझा दो, आप उसे स्टोरी दे दो, आपने स्टोरी बता दी, वो हमेशा के लिए चीज याद रहेगी, और बाद में उसको नोट्स लिखा दिया आपने, फ्लो चार्ट में दे दिया, नोट्स विद दैट टू फ्लो चार्ट. यू हैव डिक्रीज द टाइम, ऑल्सो यू हैव गिवन द पिन पॉइंट थिंग्स दैट अ स्टूडेंट रिक्वायर्स एज पर द नीड ऑफ यूपीएससी, है ना. थर्ड थिंग, सर ने एक और बात बोली बहुत शानदार, सर ने एक बात बोली कि अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है ना, तो वो कहीं और निकालेगा, बीपीएससी निकालेगा, कुछ निकालेगा. जब मैंने अपनी कोचिंग करी थी, जब मैंने अपनी तैयारी करी थी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन द ईयर्स 2009-2010, आई गॉट सिलेक्टेड इन 2011. सो 2009-2010 के टाइम में मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, यू विल नॉट बिलीव कि इन माई क्लास देर अराउंड लाइक 90 स्टूडेंट्स, है ना. 90 स्टूडेंट पहली बार बहुत ज़्यादा है ना, इतना नहीं होना चाहिए 90 स्टूडेंट्स, एक ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं होना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा था 90 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ दोस 90 स्टूडेंट्स अराउंड 70 वर देयर जस्ट टू शो देयर पेरेंट्स दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. दे वर फ्रॉम ऑल वेल टू डू सेक्शन, पैसे की कोई कमी नहीं है, है ना. अपर मिडिल क्लास और रिचर क्लास से वो लोग थे, एंड जस्ट देयर कि घर से निकल कर दिल्ली में आ गए हैं, है ना. उस टाइम पर लाइक दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर था, अभी तो डिसेंट्रलाइज हो चुका है,
लेकिन उस टाइम पे दिल्ली बहुत बड़ा एक सेंटर था, तो दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में आके लाइक अपनी इंडिपेंडेंस मिल गया उनको. सो दे वर देयर इन दिल्ली फॉर टू फाइंड देयर इंडिपेंडेंस, टू फाइंड, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड उसके बाद में एक एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर ऐसा था हु वर लाइक, जिन्हें सुबह दोपहर शाम लाइक अर्जुन वो चिड़िया की आंख दिख रही थी. एंड दैट चिड़िया की आंख, दैट बर्ड्स आई वॉज द लाइक एग्जाम, यूपीएससी का आईएएस एग्जाम. एंड वो पांच छह स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम लाइक ऑल आर माई वेरी नाइस गुड फ्रेंड्स. One is at present like IAS officer, secure 36 rank at present is in Rajasthan hai, Rajasthan mein hai. One of them is like an IPS officer. Another one is in Delhi mein apna DRI mein abhi as deputy commandant hai, deputy commissioner hai. Hai na, sabke sab aisi jagah pe baithe hue hain. Teen char log kuch aise the jinhone wo chidiya ki aankh to dikh rahi thi, लेकिन वो उसके लिए उतना प्रयास नहीं कर रहे थे जितना बाकी सब लोग कर रहे थे, है ना, जो वो पांच छह लोग हम सब लोग कर रहे थे उतना नहीं कर रहे थे, बट स्टिल उन्हें चिड़िया की आंख दिख रही थी. एंड टेन में से एट मार्क्स मैं उनको दूंगा कि जितनी वो पढ़ाई कर रहे थे. स्टिल दोज पीपल लाइक दे आर ऑल्सो नॉट एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ईदर दे हैव क्लियर्ड एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम और कहीं पे LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या किसी और विभाग में, लाइक दे आर लाइक उनके नाम के आगे यू विल फाइंड ऑफिसर. They're not unemployed. Unemployed आपको नहीं दिखेंगे वो लोग. तो ये जो तीन चीजें तीन चीजें हैं, like smart work आपको academy कराएगी, है ना, academy will be, coaching will be giving you that, will be telling you how to do that smart work. The revision student को करना है, है ना. और result क्या होगा, result will be selection. है ना, तो जैसे सर ने बताया A into B इज इक्वल्स टू सिलेक्शन. अगर दोनों चीजें सही तरह से काम कर रही हैं, सो A into B विल बी इक्वल्स टू सिलेक्शन एंड दैट टू विद वेरी नाइस रैंक्स. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स एबिलिटी कि वो किस कैसे परफॉर्म कर पाता है. लाइक आई टेल यू एट योजना IAS, लाइक मैं एक जो मेरा लास्ट बैच वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर आई गेस कोई से इस मंथ में स्टार्ट हुआ, तो जो स्टूडेंट्स आए थे दैट वाज लाइक एकदम लाइक We started things from scratch. And आज की तारीख में when the students are doing revision, जब students revision कर रहे हैं और जब आज मैं उनसे बात करता हूँ, तो sometimes I believe कि there is not a much difference between me and them. Their mental development that has taken place within the last 8 to 9 months, less than 1 year, it's extraordinary. जैसे मैं सोच पा रहा हूँ व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ द पावर ग्रैबिंग बाय तालिबान, ऐसे ही वो लोग भी सोच पा रहे हैं आफ्टर जस्ट 9-10 months. उससे पहले अगर मैं उनसे पूछता ऐसी कोई चीज, तो एक आंसर ऐसा होता कि जो 10th क्लास का बच्चा आंसर कर रहा है, ऐसे का आंसर होता. बट आफ्टर दिस लाइक 8 to 9 months ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव आउट ऑफ अ क्लासरूम. एक क्लास के बाद एक स्टूडेंट का माइंड ऐसे डेवलप होता है ना, होराइजन बिकम्स वाइड. द स्टूडेंट थिंक्स लाइक होलिस्टिकली. द स्टूडेंट थिंक होलिस्टिकली एवरीथिंग ही और शी इनकम पासेस एवरीथिंग दैट शुड बी देयर इन दैट. एंड दोस आर द थिंग्स व्हिच एनरिच द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट, और वही काम आती है पर्सनालिटी टेस्ट में. जैसा अभी थोड़े दिनों पहले हमने मॉक इंटरव्यूज भी लिए थे, सर वाज आल्सो देयर एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स देयर. There were so many students who were having such a nice, wonderful, holistic information they were having.